सिचुएशन जिस तरह हम देख रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन रहा है, आपको नहीं लगता कि पार्टी से जो है वो इसको नुकसान हो रहा है? कोई कौन सा नुकसान? फॉरवर्ड ब्लॉक जो बन गया है जैसे शेर अफजल मरवत कह रहे हैं, कोई देखे मेरी बात सुने, आप ये फिक्र करें कि यहाँ पे इमरान खान, हमारी जो फिक्र है ये है कि इमरान खान साहब महमूद कुरैशी 10 साल के लिए कह दें, और आज जज जो थे हाई कोर्ट के अंदर वो ये कह रहे थे कि ना कागज़ किसी ने देखे, ना प्रोसिक्यूशन, ना डिफेंस ने, ना जजेस ने, और 10 साल की कैद उनको दे दिया। इससे बड़ा मजाक हो सकता है? और ये राणा सनाउल्ला जो 15 जो वो तो खुद तो हारा हुआ, लेकिन जो वो उसकी जमात है नून लीग 17 सीटों के साथ जीती हुई, बाकी सारे चोरी किए हुए लोगों की सीटें चोरी किए हुए चल के हुकूमत के ऊपर बैठे हुए, और उनकी जुर्रत कि वो बैठ के या उनके जो ये टाउट्स बैठ के इमरान खान को धमकियां जान की दे रहे हैं, क्या ये नून लीग के ज़िम्मे लगा है इमरान खान को ख़त्म करना? ये उसके ज़िम्मे लगा है? ये 17 सीटों वाली जमात की ये परेशानी है कि हमारे पास सिर्फ 17 सीटें हैं, और इमरान खान को जिसका दिल करता है खुद आके टीवी के ऊपर बैठ के जान की धमकी दे रहे हैं क्योंकि ये बदमाश है राणा सनाउल्ला? इसका क्या ख्याल है कि यहाँ सब ने घर बैठे रहना है, आराम से बैठे रहना है? या आपका ख्याल है कि जो PTI के हैं जिनको उन्होंने हराया है वो तो वहाँ के हारा हुआ आदमी है? ये राणा सनाउल्ला फैसलाबाद ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसी ने ये साइफर की ये अहमकाना केस किया था, और ये अब TV के ऊपर बैठ के इसका यहाँ बस नहीं चला FIR से, तो अब ये इमरान खान को जान की धमकियाँ देगा? या मरियम औरंगजेब जिनकी फैमिली को, उनके जो फैमिली के लोग हैं मैं उनको जानती हूँ, और ये इस बेचारी से क्या क्या करवा लिया, बेचारी मरियम औरंगजेब से इसे क्या करवा लिया? बेचारी है भाई, ये कौन ऐसी बातें करता है अपने आप को जलील करके TV के ऊपर बैठ के, और झूठ बोलना पड़ता है सारा दिन, मुझे तो उन पर तरस आ रहा है। तो मैडम ये बताइएगा कि लेकिन अगर ये धमकियां देंगे, अगर ये धमकियां देंगे, ये जो कहना था इमरान खान का वजूद रहेगा, हमारा वजूद रहेगा राणा सनाउल्ला, अगर ये धमकियां देंगे ये हारी भी पार्टी, फिर से मैं कहूँ हारी भी पार्टी 17 सीटों की पार्टी है, और ये उस एक अजीम शख्स जो जेल के अंदर बैठा हुआ है साथ शाह महमूद बैठे हुए हैं 10 साल की, आज मेरे ख्याल में जो हमारे जज साहिबान थे जिन्होंने आज कोर्ट बंद कर दिया, उन्होंने कहा 25 लोग से ज़्यादा अंदर ही नहीं आ सकते, यहाँ पे MLAs MPs जो ये नहीं रोक सकते उसको, अगर वो कार्ड दिखाएं वो कोर्ट में जा सकते हैं, आज उन्होंने कहा सिक्योरिटी की वजह से आज आप अपने MLAs और MPs को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया कि जब तक 25 लोगों की रिस्क नहीं होगी MLAs MPs के अंदर नहीं आने देंगे, सिर्फ 25 को इजाज़त मिली थी, बाकियों को बाहर रोक दिया। तो आज अगर आपके MLAs और MPs कोर्ट्स के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, राणा सनाउल्ला TV पे बैठ कर 17 सीटों वाला TV पे बैठ कर इमरान खान को जान की धमकी देगा, तो मेरे ख्याल में मैडम आपको FIR नहीं कटवानी चाहिए? इतना बड़ा यार बहुत करता हूँ, करने एक सेकंड नहीं बताओ आपको, एक सेकंड हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो हम हर शहर में डालेंगे, फैसलाबाद में डालेंगे, लेकिन वो अगर कोर्ट आपके एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हुकूमत तो 17 सीटों वाली पार्टी की है ना, पुलिस उनके मातहत है 17 मैडम, सब जगह डालेगी, FIR इनके ऊपर डालेगी, अगर संजीदा है हाँ को संजीदा ले रहे हैं आप लोग, ये जो कर रहे हैं राणा हम संजीदा ही ले रहे हैं ना, हम संजीदा ही ले रहे हैं जो FIR दर्ज करने जा रहे हैं, लेकिन राणा सनाउल्ला को फिर मैं घर मिलने जाऊंगी, अगर आइंदा अगर वो माफ़ी ना मांगी उन्होंने तो हम उनके पास जाएंगे, उनके घर उनको मिलने, उनकी फैमिली से, उनकी बीवी से, उनके बच्चों से मिलेंगे, राणा सनाउल्ला की फैमिली से मिलेंगे ना, हम उनकी फैमिली हैं इमरान खान की, हम इस तरह उनकी फैमिली को, अगर उनकी बहनें हैं उनके बाकी उन्हीं से मिलेंगे ना, उनको मिल के ये पूछना चाहेंगे कि आपको अल्लाह का खौफ है तो इस शख्स को कंट्रोल करो, अगर ये कत्ल करने का सोच रहे हैं तो ये सोचें, आप भी सोच लें कि आप औरों के भी घर वाले हैं, वो अकेले नहीं है इमरान खान, इमरान खान से आप मुलाकात करें क्योंकि आज शामी कुरैशी को भी इजाज़त नहीं दी थी उनकी, उनसे मुलाकात की, देखें ये मरियम नवाज़ की हुकूमत है इस वक्त 16 सीटें वाली, मेरे ख्याल में 17 सीटें मैंने ज़्यादा, 16 सीटें वाली हुकूमत है, अब ये बेचारी ये यही करेगी हरकतें, पहले करेगी इमरान खान का दरवाज़ा बंद कर दो, जेलें बंद कर दो, मरियम नवाज़ ताकि विजिट कर रहे हैं, उसको अडियाला भी देखा है, वो टोट कोट लगभग तो हुआ ही है चक्कर लगाने, इससे काम नहीं चलेगा, इनसे ये चल ही नहीं सकता, ये कितने दिन चला लेंगे, हम घर तो नहीं बैठे रहेंगे ना, तो मरियम नवाज़ को थोड़े दिन ये कर लेगी, कितने दिन 16 सीटों पर नहीं चल सकता। मैडम कुछ एस्टैब्लिशमेंट से पैगाम आपकी तरफ से या कोई मुज़ाकरात की? देखें मुज़ाकरात छोड़ें, इस वक्त केस है यहाँ पे इमरान खान को कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए बस, और शाह महमूद की जो यहाँ लगी हुई है अहमकाना केस है, जज भी आज
इसके ऊपर उसको समझ नहीं आ रही थी कि केस किस चीज़ के ऊपर क्या हुआ है। अच्छा। तो जब नहीं पता किसी को कि केस किस चीज़ पे है तो ख़त्म करेंगे इन्फेक्शन, बस कर देंगे ड्रामा। अब ड्रामे की आखिर आ गई है ना, अब डोनाल्ड लू, अब डोनाल्ड लू पे बात करें। जी सवाल यही है कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद, एक सेकंड, बयान के बाद डोनाल्ड लू के ऊपर बात करें। देखें आज पाकिस्तान को ये तो समझ आ गई कि जो हम समझते हैं डोनाल्ड लू की पाकिस्तान का वाइसरॉय है, आज उसको इनको पाकिस्तान को ये समझ आएगी वहाँ सरकारी अफसर को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग होते हैं, जो इन अवाम होती है, उनके नुमाइंदे सवाल जवाब कर सकते हैं। आज उसकी जब उसको बुलाया गया, उससे यही पूछा गया, उसने क्या कहा, मैंने तो कहा ही कुछ नहीं है। तो उसने सच बोला है या झूठ बोला है, अब ये कौन फैसला करेगा? साइबर के अंदर है ना सच। हमारा असद मजीद जो इतने अच्छे भाग इतने